ओ भाई ब्लैक कलर का फोन है, 17,422 रुपए का, डी माइनस ग्रेड, फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे को कहीं ना कहीं ओरिजिनल लग रहा है इसके वेट से, बिल्कुल ओरिजिनल स्क्रीन दी गई है, क्योंकि लोकल स्क्रीन का थोड़ा वेट कम रहता है। तो फेस आईडी बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क। तो आज हमने अपने सब्सक्राइबर के लिए मंगाया हुआ है आईफोन 11 प्रो मैक्स, होने वाला है 256 GB वेरिएंट है। तो ये हमने मंगाया हुआ है 17,422 रुपए का, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। कैसीफाई सुपर सेल रिटेल ऐप से मंगवाया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। मेरे और भी वीडियो आप लोग देख सकते हो कि भाई क्या कैसी कंडीशन आती है, और इसमें भी डी माइनस ग्रेड का मंगवाया हुआ है। डी माइनस ग्रेड में स्क्रीन ब्रोकिन, डैमेज वैमेज कुछ भी आ सकता है भाई, रिटर्न पॉलिसी नहीं क्लेम कर सकते। अगर डेड फोन आया तो एक बार रिटर्न पॉलिसी क्लेम कर सकते हो सिंगल्स के ऊपर। वैसे ज़्यादातर डी माइनस में या डी ग्रेड से नीचे के फ़ोन में रिटर्न पॉलिसी नहीं आती है। या आप लोग कान खोल के सुन लो भाई, अगर आप ऑर्डर करवाते हो किसी और से या मुझसे करवाओगे तो 100% ऐसा आ सकता है, 100% आ सकता है भाई। आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, टेक द गैजेट्स को फॉलो करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो आप लोगों के लिए भी ऐसी ही कंडीशन आ सकती है जैसे कि मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए मंगाई हुई है। अब ये कैसी कंडीशन है तो हम जल्दी जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या कैसी कंडीशन रहती है। और अगर आप लोगों को सेकेंड हैंड फोन दूसरा चाहिए, एंड्रॉइड चाहिए या कैसा चाहिए, आपके नियर बाय कोई भी सेल नहीं कर रहा है, आपको क्या करना है, मेरे को कॉल घुमाना है। ये आ रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप लोगों को कॉल करना है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये टेक द गैजेट्स 24 घंटे आपके लिए अवेल रहता है, आप कैसी भी क्वेरीज पूछ सकते हो मुझसे और ऑर्डर करवा सकते हो, कौन सा भी फ़ोन चाहिए मिल जाएगा आप लोगों को। तो अगर 11 प्रो, 13 प्रो या कौन सी भी सीरीज हो, सैमसंग गैलेक्सी नोट अल्ट्रा तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसी के साथ इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या कैसी कंडीशन रहती है। मेरे सब्सक्राइबर लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं भाई ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं हम ये वो, तो भाई आप लोगों को मैं पहले बता दूं मेरे सब्सक्राइबर लोग की भाई आप सब्सक्राइबर मेरे एक एक दिन में 1-1 लाख के फ़ोन मेरे से ऑर्डर करवा लेते हैं भाई। 1-1 लाख के फ़ोन मैं एक दिन में ऑर्डर कर देता हूँ, जो कि मेरे कस्टमर होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, जिसको COD चाहिए होता है उनके यहाँ पे डायरेक्ट COD करवा देते हैं। जो डिलीवरी चार्ज होते हैं वो पे कर देते हैं, COD करवा देते हैं ऑर्डर को, और प्रीपेड रिव्यू के साथ चाहिए होता है जिसको फोन, वो पहले पूरा अमाउंट पे करते हैं, फोन वगैरह डिलीवरी चार्जेस पे कर देते हैं। तो उनके लिए ऐसे मैं मंगवाता हूँ अपने पास और डिलीवरी करवा देता हूँ डिलीवरी एक्सप्रेस के थ्रू। तो देखते हैं क्या कैसी कंडीशन रहती है मेरे एड्रेस पे आने के बाद, जैसा कि ये मंगाया हुआ है आईफोन 11 प्रो मैक्स। तो चलिए इसी के साथ इसे जल्दी जल्दी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या कैसी कंडीशन रहती है जब टेक द गैजेट्स आईफोन मंगवाता है तब। कैसीफाई से कुछ ऐसी पैकेजिंग आती है, आप लोग देख सकते हो 17,422 रुपए का। तो हम जल्दी जल्दी से अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो इसी के साथ हमने ये अनबॉक्स कर लिया है, भगवान करे अपने सब्सक्राइबर का डी माइनस ग्रेड में अच्छा फ़ोन निकले। तो एक बार हम चेकआउट कर लेंगे, बिल आता है सबसे पहले, तो बिल की क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा बेकार दी गई है कैसी भाई की तरफ से। तो स्पेस ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का फ़ोन है, 17,422 रुपए का, डी माइनस ग्रेड, सेकेंड हैंड एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स फ़ोन दिया गया है, 4/64 का है। तो बिल को करते हैं साइड में, बिल अपना कोई काम का नहीं है, फ़ोन अच्छा मिल जाए और बॉक्स में कुछ भी और नहीं मिलता है, तो बॉक्स को करते हैं साइड में। और बबल रैप के साथ अपना ये फ़ोन आता है, ओ भाई भाई क्रैक तो दिया नहीं गया है भाई साहब, आगे देखेंगे, आगे भी कोई भी क्रैक नहीं देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो आगे पीछे कोई भी क्रैक देखने के लिए नहीं मिल रहा है, और मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें लिक्विड डैमेज होगा, क्योंकि स्क्रीन मेरे को कहीं ना कहीं ओरिजिनल जैसी तो लग रही है, बट स्क्रीन दोबारा फिटिंग हो ही गई है। आप लोग देख सकते हो, फिटिंग आप लोग चेक कर सकते हो, मैं तो भाई हाथ में फ़ोन लेने से बता देता हूँ कि ओरिजिनल है फिर लोकल है। आप लोग देख सकते हो फिटिंग आप बाहर निकल रही है स्क्रीन की, बट स्क्रीन बेटर वर्क कर रही हो, अपन को ये मतलब है स्क्रीन कॉपी या ओरिजिनल हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेरे को कहीं ना कहीं ओरिजिनल लग रहा है इसके वेट से,
बिल्कुल ओरिजिनल स्क्रीन दी गई है, क्योंकि लोकल स्क्रीन का थोड़ा वेट कम रहता है, और इसके कैमरे वैमरे के कोई भी कुछ टूटा फटा नहीं दिया गया है, साइड फ्रेम भी काफ़ी क्लीन दी गई है, आगे से भी क्लीन है, कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रही है फ़ोन में, आप लोग देख सकते हो एजुकेंसी। तो हम इसे एक बार ऑन कर लेंगे, इसमें आई क्लाउड लॉक अपन को नहीं मिलेगा क्योंकि ये डी माइनस ग्रेड का फ़ोन है, तो आप लोग देख सकते हो फ़ोन डेड फ़ोन नहीं आते हैं कैसीफाई से जब ऑर्डर करते हो आप तब। तो आप लोग देख सकते हो कहीं भी कोई भी डैमेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये टेक द गैजेट्स जब ऑर्डर करता है तो आप लोगों को कोई भी डैमेज, ये डी माइनस ग्रेड का है तो कोई भी डैमेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मेरे वीडियो पे कर दो लाइक। तो ये स्क्रीन मेरे को ओरिजिनल लगी थी, बट एक बार ट्रू टोन चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो भाई, मैं हाथ में लेने से बता देता हूँ फ़ोन ओरिजिनल है या लोकल है भाई। इसीलिए टेक द गैजेट्स इतने महंगे फ़ोन अनबॉक्सिंग करता है, क्योंकि उसको हर डिटेल्स में सब कुछ पता रहता है कि भाई डी ग्रेड में क्या कैसे फ़ोन आएंगे जब भी मैं ऑर्डर करता हूँ अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो आप लोग देख सकते हो ट्रू टोन वर्किंग के साथ अब उनको ओरिजिनल स्क्रीन मिल जाएगी। मैंने भाई ऑन करने से पहले ही बता दिया कि भाई इसमें ओरिजिनल स्क्रीन दी गई है, बट इसमें डिस्प्ले इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसका फेस आईडी एक बार चेक करेंगे, फिर आप लोगों को मैं बता पाऊंगा कि ओरिजिनल है भी या नहीं। इसमें तो अननोन पार्ट आ गया, बट मैं कहना चाहूंगा कि दूसरे फ़ोन में से, मतलब दूसरे मोबाइल में से इसमें डाल दी हो, वो भी हो सकता है भाई। तो ये अपना इम्पोर्टेड फ़ोन है, आप लोग देख सकते हो इसमें बी ए ब्राज़ील का फ़ोन दिया गया है, और 64 GB दिया गया है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेंगी, सिम कुरियर लॉक वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आपको बैटरी हेल्थ दिखा देता हूँ भाई, तो बैटरी हेल्थ इसमें 79% है, इट्स लो बट ओके। तो इसमें बैटरी सर्विस यहाँ पे क्यों नहीं आया भाई, बैटरी इतना एरर नहीं है। अच्छा यहाँ पे आया था भाई, मैंने इतना चेक नहीं कर पाया। तो आप लोग देख सकते हो 79% दी गई है, फेस आईडी का इशू देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो एक बार फेस आईडी लगा के चेक करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, मैं तो कहूँगा कि ओरिजिनल स्क्रीन है, क्योंकि फेस आईडी ले रही है बिल्कुल परफेक्ट फुली, और ट्रू टोन का भी सपोर्ट दिया गया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो वरना फेस आईडी वर्क नहीं करती अगर कॉपी डिस्प्ले होती। वो बात अलग है कि भाई इम्पोर्टेड वगैरह करवा देते हैं बहुत से लोग, बट कैसीफाई ऐसे काम नहीं करता है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जो जेन्युइन चीज़ है वही आप लोगों को कैसीफाई देता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो आप लोगों को कहीं भी कोई भी डैमेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो एक बार फेस आईडी चेक करते हैं। तो फेस आईडी बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रही है, आप लोग देख सकते हो एक ही बार में मक्खन की तरह फेस आईडी चल रही है। और कैमरा देखना चाहूंगा भाई, इसमें कैमरा में कोई इशू तो नहीं दे दिया? हाँ कैमरे में कोई भी इशू नहीं है। वाइड एंगल चेक करेंगे, वाइड एंगल भी ठीक तरीके से, जूम भी ठीक तरीके से वर्क कर रहा है डी माइनस ग्रेड का होने के बावजूद भी। आगे का कैमरा मक्खन माशाल्लाह क्या लग रहा हूं। तो एक बार 4K वीडियो भी चेक कर लेंगे। टैग द गैजेट्स चैनल सब्सक्राइब नाउ, अभी कर दो भाई, ऐसी डील नहीं मिलेंगी बार बार। तो आप लोग देख सकते हो इसमें ऑटो ब्रेसनेट भी दिया गया है, और ऊपर नीचे के स्पीकर भी ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं। ब्रेसनेट आप लोग देख सकते हो ऑटोमेटिकली डाउन हो गई है, और कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रही है मेरे को अभी तक तो कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली है। आप लोग देख सकते हो सब कुछ ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। 11 प्रो मैक्स है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी फ़ोन है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ये हैंडी फ़ोन है। आप लोग देख सकते हो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट टाइपिंग वाइपिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वैसे सब कुछ ठीक है। और 1% अपना ड्रॉप भी हो गया, तो आप लोग पहली बार फ़ोन लोगे तो उसको एक बार फुल चार्ज करना है, रीसेट करना है, फुल चार्ज करना है, तब आप लोग चेक करना। तो मैं इसको U3 टूल में भी लगा के चेक करता हूँ, पहले इसमें सिम लगा के आप लोगों को कॉल लगा के बता देता हूँ भाई। तो गाइस इसमें हम एयरटेल की सिम लगा लेते हैं जल्दी। तो अपनी सिम तो आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो 4G के नेटवर्क आ चुके हैं, तो एक बार कॉल लगा के आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो अपना एयरटेल में स्वागत अब की बार नहीं हुआ, पता नहीं क्या दुश्मनी है। तो आप लोग देख सकते हो फोन में कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी, बट अपन को यहाँ पे थोड़े से व्हाइट स्पॉट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसा कि मैं दिखाना चाहूँ। यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे एक और दिया है, दो व्हाइट स्पॉट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। तो आप लोग देख सकते हो व्हाइट स्पॉट है, मैंने बोला था किसी और की स्क्रीन इसमें लगा दी हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, बट मैं श्योर नहीं हूँ भाई कि
ऐसा हो सकता है, बट हो सकता है जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, ये इम्पोर्टेड डिस्प्ले है, बट इतना मैनेज है, फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, रिपेयर फ़ोन बहुत कम मिलते हैं अपन को, बट डी माइनस ग्रेड में अपन को ये मतलब कि चेंज वगैरह पार्ट मिल सकते हैं। एक बार हम U3 टूल में भी आप लोगों को लगा के दिखा देते हैं क्या कैसी कंडीशन दी गई है। इसमें दो सिम का सपोर्ट मिल जाएगा, एक QR के थ्रू लगा सकते हैं, एक फिजिकल सिम डाल सकते हैं, एक ई सिम का ऑप्शन मिल जाएगा और एक QR के थ्रू लगा सकते हैं। तो भाई फोन ओवरऑल का कंडीशन अच्छी है, तो थ्री यू टूल में आप लोग देख सकते हो कि भाई इसमें ये दिक्कत आती है, तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। तो भाई जैसा कि मैंने 3U टूल में दिखाया तो वो है इसमें, और जैसा कि आप फ़ोन देख सकते हो बिल्कुल फ़ोन ऑसम दिया गया है, ओवरऑल द कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। एक दो स्क्रेचेस देखने के लिए मिल जाएंगे एप्पल के लोगों पे, और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये हमने 17,000 का मंगाया हुआ है, वैसे तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फेस आईडी मेन है, फेस आईडी वर्क कर रही है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा फ़ोन है, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने सब्सक्राइबर का अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। अगर आप लोगों को प्रॉफिट करवाना है तो आप लोगों को टैग द गैजेट से कनेक्ट करना है। आप लोगों के लिए भी डी ग्रेड, सी प्लस ग्रेड, बी ग्रेड जैसा कहोगे वैसा ऑर्डर कर दूंगा, बट मेरे अकॉर्डिंग करवाओगे तभी मैं ऐसी कंडीशन मंगवा पाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से फोन मैं मंगवा देता हूं अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।